हेलो किसान भाइयों, मैं आज आप लोग के फिर से एक व्यापारी भाई का वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग को कुछ बात है वह बता दूं कि बहुत सारे गाय खरीद किए करते हैं, तो जब मैं उनका ऑनर का नंबर दे देता हूं तो ऑनर है उन्होंने रेट कुछ और कर लेते हैं, और जो दूर से व्यापारी भाई हैं वह लेने आते हैं तो गाय में उनका दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, जो कि हमें दो गाय में ऐसा शिकायत देखने को मिला है। इसलिए मैं आप लोगों को एक क्लियर कहना चाहता हूँ कि आप लोग गाय लेना रहे तो आप लोग खुद हमसे ही कॉन्टेक्ट करें, और आप लोग को मेरा नंबर भी व्हाट्सएप नंबर है वह दिया जाएगा, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और ना व्यापारी भाई का आप लोग को नंबर दूंगा और ना ही किसान भाई का नंबर दूंगा, डायरेक्ट आप लोग हमसे संपर्क कीजिएगा और आप लोग को इनकाउंटर से हम संपर्क करके और कितना में गाय खरीदाएगा वो आप लोग को बता दूंगा आगे वीडियो में, और खुद मैं अपना यहाँ गाय लेकर आऊँगा उसके बाद मैं आपको दूंगा, क्योंकि दो गाय में दिक्कत का भी सामना हम लोग को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ गया है, क्योंकि आज सुबह में भी एक गाय रेड वाली थी जो आप लोग को सेल के लिए उपलब्ध करवाए थे, उस गाय पे भी थोड़ा दिक्कत हो गया है, जो कि रेट कुछ और कर लेते हैं किसान भाई, लेकिन जब लेने आते हैं खरीद कर लेते हैं तो घर पर आने के बाद किसान भाई हुआ वह रेट और बढ़ा कर लेने लगते हैं, तो दो गाय में ऐसा दिक्कत हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों को खुद अपना नंबर दूंगा और हमसे ही आप लोग संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है आप लोग को आगे देने का प्रयास करूंगा, और जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो यही नंबर मेरा है, तो आप लोग इस पर संपर्क कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को ये वाली गाय का डिटेल दे दूँ, और मैं आप लोग को खुद ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कॉल मत कीजिएगा या फिर आप लोग मैसेज मत कीजिएगा कि किसान भाई का गाय सेल के लिए उपलब्ध करवाइए, क्योंकि दो गाय में हमें ऐसा शिकायत देखने को मिला है, तो आप लोग को मेरा रिक्वेस्ट है कि ये गाय देख रहे हैं ये गाय ही मैं केवल सेल करवा सकता हूँ, इसके बाद मैं आप लोग के लिए नहीं लाऊँगा किसान भाई का गाय, क्योंकि दो गाय में दिक्कत हुआ है। इस बार मैं ये गाय लूँगा तो आप लोगों को सहयोग से ही देखूँगा कि ये गाय में दिक्कत का सामना करना पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, जो कि दो गाय खरीद किए हैं तो दोनों गाय में जिन्होंने खरीद किए दोनों गाय में उसे ही दिक्कत का सामना करना पड़ा है, इसलिए हमने फैसला किया तो मैं खुद ही अपना घर पर गाय लेकर आऊँगा खरीद करके, जो कि आप लोग रेट बोलिएगा उतना में, और आप लोग को खुद मैं अपना घर से ही ये गाय दूंगा जो आप लोग स्क्रीन पर, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं ये बता रहा हूँ सही है या गलत है। तो चलिए मैं आप लोग को ये वाली गाय का डिटेल दे दूँ, इससे पहले आप लोग करीब से ऑर्डर ऑर्डर भी देख सकते हो। ये गाय है ये दांत में 6 है, और ये गाय की ब्याद की 7 दिन बची हुई है, और दूध कैपेसिटी की बात की जाए तो 22 लीटर इनका ओनर का दूध कैपेसिटी बताया जा रहा है, और ये गाय मेरे अंदाज से आसानी के साथ 19-20 लीटर दूध कर देगी, और इस गाय की रेट की बात की जाए तो 65,000 डिमांड किया गया है, 65,000, जो कि आप लोग बैक से भी ऑर्डर ऑर्डर देख सकते हो, 7 दिन में गाय बच्चा कर देगी। और आप लोग हमारे नंबर है जो कि किसान भाई का या फिर व्यापारी भाई का नंबर नहीं है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है केवल, कॉल नहीं लग पाएगा, इसलिए आप लोग मैसेज कीजिएगा या फिर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप कॉल, और आप लोग को मैं ही ये गाय दूंगा, तो आप लोग को थोड़ा शिकायत भी गाय में हुआ है तो आप लोग को चले गाय देख सकते हो जो एक किसान भाई उन्होंने खरीद लिया है, लेकिन एक गाय में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, जो आप लोग देख सकते हो ये गाय इन्होंने खरीद कर लिया था मोबाइल पर ही हमारे थ्रू, लेकिन इन्होंने भी गाय लेने आए तो इनके साथ भी दिक्कत का सामना हुआ है, तो मैं आप लोग को इसलिए ये गाय का ऐसे बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप लोग अब गाय लेने आए तो हमें कॉल मत कीजिए कि आप लोग को हमारे थ्रू गाय ले जाओ, तो इनके आपको मुँह से सुनवाओगे क्या क्या दिक्कत हुआ है, तो आप थोड़ा बता दीजिए। बहुत दिक्कत हुआ है, जो भी गाय लेना है आप सीधा इसमें जो है नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट गाय मालिक से बात कीजिए, डायरेक्ट है गाय मालिक से। हाँ, गाय मालिक उससे क्या होगा आपका क्लियर रहेगा कितना पैसा देना है कितना नहीं देना है। और आपको ये गाय में कितना ज़्यादा देना पड़ गया? हम लोगों 3,000 रुपये ज़्यादा देना, 3,000 जाने ज़्यादा देना पड़ गया, जो कि आप लोग देख सकते हो उनका मुँह से ही ये गाय का 3,000, जो कि ये गाय 55,000 में बात हुआ था खरीद के लिए, और आप लोग को उनका रिकॉर्डिंग भी है जो कि ऑनर से हमने बतियाया था, वो वाला भी आप लोग को रिकॉर्डिंग वीडियो के अंत में देखने को मिलेगा, उन्होंने हमारे से 55,000 में बात कर लिए थे, और उन्होंने एक गाय को 58,000 में गाय जब गाड़ी लेकर आ गए हैं तो इनको देने से मना कर दिया था, जो आप लोग देख सकते हो, और इनका 3,000 रुपया ज़्यादा लग रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार की दिक्कत का सामना बहुत ही करना पड़ जाता है, जो आप लोग देख सकते हो बहुत ही दिक्कत हो रहा है, जो आप देख रहे हैं तो इस प्रकार की दिक्कत हो रहा है, लेकिन रेट थोड़ा अधिक लग गया था, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि कॉल मत किया कीजिए, गाय नहीं हो पाएगी मेरे से, जो कि आप लोग को एक और गाय में भी दिक्कत देखना पड़ा था, और एक गाय में भी, जो कि इनका ओनर सामने तो आपको पूछ पाए नहीं, लेकिन एक थोड़ा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लाल बाबू गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? पंचरुखी के। आपको ये गाय पसंद है? हाँ। लेकिन आपको रेट बहुत महंगा पड़ गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं इनका बहुत ही महंगा पड़ गया, आप लोग को एक बार करीब से गाय को भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ,
जो कि ये गाय का 5 से 6 दिन बचा हुआ है। और दलाल लोग भी ये गाय में किसान भाई का गाय थे, लेकिन दलाल भी इस पर बीर के और 3000 ज़्यादा लिए हैं। तो आप लोग को यही कमेंट में आप लोग कीजिएगा कि गाय हमसे मत लीजिएगा, ये आप लोग कमेंट कीजिए, ये नहीं कीजिए कि आपके थ्रू मेरे को गाय लेना है, ये मैं आप लोग को क्लियर बताना चाहता हूँ। तो ठीक है, अगले वीडियो में आप लोग को